हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका दोबारा स्वागत है और आधे बेबेल एल्बिनो टाइम टू ड्रिंक द वाइन। आज हमारे साथ है अरमोसा चिले कैबरने सॉविन्यो। ये कैबरने सॉविन्यो इसका ग्रेप वैरायटी है और ये चिले से आया है। ओरिजिनल ये ग्रेप बोर्डो फ्रांक से ओरिजिनेट होता है और ये एक नेचुरल क्रॉस है कैबरने फ्रांक और सॉविन्यो ब्लांक का। It's a full body wine which has a rich red and violet color. It is a dry wine. मैंने जितना रिसर्च किया इस वाइन के बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं मिला, पर जितना मैं जान पाया ये सेंट्रल वैली से आया है चिले के। चिले में मेजर तीन वाइन प्रोड्यूसिंग रीजन हैं, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। तो ये सेंट्रल रीजन से आया है हमारा। विला आलेग्रे जगह का नाम है जहाँ पे ये प्रोड्यूस और बॉटल्ड हुआ है। 1997 में कैरल मेरेडिथ और जॉन बावर्स ने ये डिस्कवर किया था कि कैबरने सॉविन्यो एक्चुअली में सॉविन्यो ब्लांक का चाइल्ड ग्रेप है। तो ये काफी शॉकिंग डिस्कवरी थी क्योंकि सॉविन्यो ब्लांक एक वाइट ग्रेप है और ये एक रेड ग्रेप है। कैबरने सॉविन्यो चिले में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला ग्रेप है। तो ये वाइन भी मैंने सिल्वर सिटी में सिटी स्पिरिट से लिया है और ये मुझे 2000 रुपीज का पड़ा है। ये पहली बार है मैंने जो इतना एक्सपेंसिव वाइन लिया है। जाहिर सी बात है ये इम्पोर्टेंट वाइन है तो इसलिए इतना महंगा है। इसमें MRP नहीं लिखा है तो इसलिए मुझे थोड़ा डाउट भी हुआ ये आखिर किस बेसिस पे इतना महंगा है, क्या ये इम्पोर्ट टैक्सेस की वजह से इतना महंगा है। तो अभी हमें टेस्ट करके ही पता चलेगा क्या ये सही में इतना वर्थ इट है या नहीं। कलर काफी डार्क है, अरोमा काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी इंटेंस फ्लेवर्स मिल रहे हैं, थोड़ा पेपरिश भी नोट्स आ रहे हैं मुझे। ड्राई वाइन है इसलिए हमें थोड़े से स्ट्रॉन्ग नोट्स मिल रहे हैं इसमें। सलूट। ड्राई वाइन है, स्वीटनेस नहीं है पर फ्रूटी नोट्स हैं इसमें। आई थिंक लास्ट वाइन जो हमने रिव्यू की थी उससे ज्यादा ड्राई है और सब बहुत ज्यादा ड्राई है। वो तो फिर भी मैं बोलूंगा कि इट वाज मोर ऑन अ स्वीटर साइड। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कलर काफी रेडिश, रेड तो है ही पर थोड़ा सा वायलेट के, हाँ एक इसमें वायलेट का हिंट है तो काफी दिखने में ब्लड लाइक है बट अच्छा है, काफी सुंदर है। फ्रांस के बाद चिले ही है जो कैबरने सॉविन्यो के लिए वर्ल्ड वाइड काफी जाना जाता है। इसमें थोड़े टोबैको के हिंट्स हैं, टोबैको के नोट्स हैं, बहुत ही ड्राई, जैसे अगर आप कभी जामुन खाएंगे तो आपको एक मुंह में ड्राई सा सेंसेशन होता है, थोड़ा थोड़ा वैसा है। तो ये ब्लैक करंट और ब्लैक चेरी जैसा एक हिंट दे रहा है। इसके साथ आप ग्रिल्ड मीट्स, पेपरी सॉसेज अगर आप ट्राई करेंगे, इसके साथ ग्रिल्ड मशरूम, बारबेक्यू, बेल पेपर्स, अगर आप चीज के साथ भी बहुत अच्छा, अगर आप मैच्योर चीजेस इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा वाइन है पर ऐसे ही सेम वाइन्स आपको इंडियन ब्रांड्स में भी मिल जाएंगे। तो 2000 रुपीज मुझे थोड़ा इसमें ओवर प्राइस लग रहा है मुझे। आई गेस सुला की हमने लास्ट डिंडोरी रिजर्व की जो रिव्यू करी थी दैट वाज मच बेटर देन दिस। या सो मैं ये नहीं बोलूंगा ये बेकार वाइन है, इट्स अ वेरी गुड वाइन। चिले का एक एक्सपीरियंस है इसमें, इसमें चिले के ग्रेप्स आप टेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको सेम ऐसा ही फ्लेवर, ऐसा ही टेस्ट चाहिए तो आपको इंडियन ब्रांड्स में सेम यही चीज आपको अवेलेबल है मच मच चीपर प्राइस में। प्लस इसमें MRP मेंशन नहीं है तो ऐसे वाइन्स को लेने में अब मुझे थोड़ा डाउट होगा आगे कि ऐसे वाइन्स मुझे लेने चाहिए या नहीं, क्योंकि इनमें ऑफ कोर्स MRP मेंशन नहीं है तो थोड़ा डाउट है कि ये इतने ओवर प्राइस्ड क्यों है। इंपोर्टेड है बट आई गेस इसका MRP जरूर मेंशन होना चाहिए। वाइन कंटेंट मीडियोकर है बट नॉट वर्थ द प्राइस। तो आज के लिए इतना ही, टिल नेक्स्ट टाइम इन होर अदर प्रिपेयर एल्बिनो टाइम टू ड्रिंक द वाइन। सी यू, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। ये हमारा आज का प्रॉफ है, ये हम अपनी 90 रख चलाएंगे इसे तो फ्रेश कर कैसा था।
दिख जाए।